अभी आप स्क्रीन पर जो व्यक्ति को देख रहे हैं आपको लगता होगा कि लड़की होगी, काहे लगता होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आप एक बार दिखा दीजिए कि लड़की का ड्रेस होना और लड़की का जैसा चेहरा और लड़की का जैसा मुस्कान इनका एकदम साबित करता है कि लड़की है। लेकिन सोच के आप भी आश्चर्य में फंस जाइएगा कि ना ये लड़का है और ना ये लड़की है। जो बीच वाला जो प्राकृतिक देन यानी कहा जाए कि जो भगवान का देन होता है वे इनके पास मतलब मौजूद है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी जीवनी और ज़िंदगी में क्या ऐसा बदलाव हुआ कि ये जो लड़का नहीं है और ना लड़की है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। जो बीच में का है हम, बीच में का है हम, मतलब है जो नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो में उनको कैसे मालूम चलेगा बीच वाला क्या होता है? जो भगवान का दिया हुआ है ना वही है, भगवान का दिया हुआ जो मतलब खोजिन, उसको खोजिन बोला जाता है गांव देहात में, उसको खोजिन बोला जाता है। तो कैसे मालूम चला कि आप मतलब लड़का? शुरू में तो आप लड़का के जैसा पालन पोषण हुआ होगा आपके परिवार में। जी 8-9 साल का हुए ना तब तक घर में था, मालूम चला से हाँ ये खोजिन में आ गया गिनती। मैंने सबसे पहले किसको मालूम चला परिवार में? घर में मम्मी पापा को मालूम चला। मम्मी पापा को मालूम चला। तो फिर उसके बाद गांव समाज में मालूम चलते गया। तो 9 आपका मतलब बताया जाए 9-10 साल में जब मालूम चला तो 9-10 साल के बाद आप उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद मतलब कि घर पे ही थे, मतलब जब हम 15-16 साल का जब 10th कर लिए ना, 10th मतलब पढ़ाई घर से ही किए? जी। आप पढ़े लिखे भी हैं? जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 10th तक पढ़ाई किए। 10th तक? जी। तो पढ़ाई उसके आगे काहे नहीं की? आगे नहीं किए, अब डांस लाइन में आ गए ना इसलिए नहीं किए। डांस लाइन में पढ़ाई छोड़ने के बाद आप आ गए? जी। तो कहा जाए कि कुछ लोग मतलब किनर के रूप में भी होते हैं, चाहे जो पार्टीशन को चेंज करा लेते हैं, आप में ऐसा कुछ नहीं ना? जी नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। बहुत लोग हैं कि 2-2 लाख रुपए आजकल मतलब खर्चा करके पार्टीशन को चेंज कर लेते हैं, उनका अपना मतलब फीलिंग शुरू से आपका क्या रहा, लड़का वाला रहा या लड़की वाला रहा? नहीं, शुरू से मेरा बचपन से ही फीलिंग था लड़की का। स्कूल स्कूल में जाते थे तो कैसा लड़का लोग क्या व्यवहार करता था? हाँ, लड़का लोग तो लाइन मारता था, लड़की लोग भी बहुत प्यार से बात करती थी, ज़्यादा करके अधिकांश में लड़की लोग हम मेरी फ्रेंड मतलब लड़का लोग लाइन मारता था, लड़की लोग प्यार करती थी। हाँ, लड़की लोग ज़्यादा करके अधिकांश में बात करती थी, ज़्यादा करके अधिकांश में लड़की लोग ही फ्रेंड थी। तो उस समय का नाम आपका जो था लड़का वाला नाम स्कूल में, नाम क्या नाम था? स्कूल में सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी। अब क्या नाम आपका, मतलब आप अपने से रखे या मतलब कहीं से रखा गया? नहीं है, यहाँ जब हम प्रोग्राम में आए ना तो मोनिका जायसवाल करके नाम रखा गया। मोनिका जायसवाल जी। आप बता दीजिए देखने वाले दर्शक को कि आपके कितने भाई और कितने बहन हैं? हम 2 भाई। 2 भाई जी। आप छोटे हैं कि बड़े हैं? हम छोटे हैं। चलिए मोनिका जी, अभी जो सिद्धार्थ के मतलब रूप में पहले लड़का थे और बाद में मालूम चला तो मतलब परिवार से दूर हो गए, बिछड़ने का गम हर किसी को होता है, जैसे सिद्धार्थ को है। सिद्धार्थ को मालूम नहीं था कि हम लड़का के रूप में पल रहे हैं मतलब घर पे और बाद में चलकर हमको मतलब ऐसा कुछ होगा। आप बताइए प्रोग्राम में आप लोग जाते हैं तो कैसा फीलिंग होता है, कितना देर प्रोग्राम कराता है? यहाँ देखिए तो वो तो प्रोग्राम के वो तो वो लड़का लोग के पब्लिक लोग के ऊपर होता है ना, वो जितना बजे छोड़े हम लोग को, कभी कभी तो 6 बजा देता है, कभी कभी 4 बज जाता है। क्या करता है लड़का, जो नया लड़का होता है वो कैसे पेश आता है आप लोग के साथ में? वो तो 10 रुपये दे दे के पुला कर पेश आता है। 10 रुपये देकर पुलाता है? जी। क्या कहता है? बोलता है इधर चलो उधर चलो, 10 रुपये ये छेड़खानी करते रहता है। तो 10 रुपये में आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जी नहीं। नहीं जाते हैं? कितने में जाइएगा? तो कहा जाए कि प्रोग्राम करके आपका पालन पोषण जो होता है, पैसा घर पे भेजते हैं या खुद को यूज करते हैं? नहीं, घर पे भेजते हैं। घर पे भी भेजते हैं? मतलब कहा जाए तो संतान रूप में नहीं होते हुए भी पैसा को घर पे भेजते हैं? जी, घर पे भेजते हैं। कितना का महीना का इनकम हो जाता है आपका या सालाना इनकम हो जाता है? मेरा सालाना है तो 2 लाख का। 2 लाख रुपए? जी। साल में 2 लाख रुपए आप कमा लेते हैं? जी। तो लड़का सब कभी ऐसे प्रपोज आपको किया है कि ना प्रोग्राम वोग्राम पे जाते थे? हाँ, बहुत ऐसा लड़का है, हम लोग तो एक ही जगह नहीं ना, बहुत जगह जाते हैं तो वहाँ तो बहुत जगह प्रपोज करते रहता है। आप किसी का प्रपोज एक्सेप्ट किए हैं कि ना? हाँ, किए थे। मतलब प्रोग्राम वाले साइड पे किए थे कि ऐसे कभी किसी? नहीं, प्रोग्राम पे ही गए थे।
अच्छा ऐसा कबो मतलब मोनिका आपको फील नहीं होता है कि हम भी लड़का रहते या लड़की रहते तो सारी दुनिया जो मतलब चल रही है उस हिसाब से हम भी चलते? नहीं, हमको शुरू से बचपन से ही लड़की का फीलिंग था। शुरू से लड़की का फीलिंग था जी। अभी आप लड़की में एकदम इसी तरह रहती है जहाँ भी रहती है? जी इसी तरह रहते हैं, लड़की ड्रेस में ही रहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि कोई लड़का सामने वाला आपको प्रपोज करे तो आप उसे क्या मतलब प्रपोज में क्या कहिएगा? हम तो रेडी रहेंगे प्रपोज के लिए। प्रपोज के लिए रेडी रहिएगा, क्या बात है। देख लीजिए अगर कोई लड़का वीडियो देखता होगा, एक चीज सवाल बनता है कि कंवारे लोग के लिए प्रपोज में रहिएगा या शादीशुदा के लिए? कंवारे के लिए। कंवारे के लिए जी। एकदम कंवारे के लिए ऑफर है मोनिका के लिए कि आप अगर चाहे तो इनको प्रपोज कर कर मतलब वो लाइन मार कर आपको फंसाएगा कि आप लाइन मार कर फंसाइएगा? अब तो लड़का लोग ही लाइन मारता है ना। लड़की लोग लाइन नहीं मारता है, लड़की लोग थोड़ा भाव खाता है ना। हाँ लड़की लोग तो भाव खाती है। भाव खाना जरूरी है जी। कहा जाए तो जो लड़का आपको मान ले कि शादीशुदा करेगा या आपको अपनी बीवी बनाएगा तो उसको जो पत्नी वाला फीलिंग होता है, जो शारीरिक सुख होता है, कहा जाए तो एक तरीका से सेक्सुअल सेक्स करना, तो वो फील कैसे आप दे पाइएगा? देखिए हम लोग तो सेक्स तो करवा सकते हैं, सिर्फ यही होता है ना जो बाल बच्चा नहीं हो सकता हम लोग से। अच्छा सेक्स आप कर सकते हैं लेकिन बच्चा का पैदा जो होना है प्राकृतिक हिसाब से मतलब नहीं है? जी नहीं। आगे का जो समाज में आपको किस दृष्टि से जो रोड रोड पे आप लोग निकलते हैं तो लोग क्या कहता है? वो तो छक्का इजरा यही सब बोलता है, तो छक्का जा रहा है, मौका जा रहा है, यही सब बोलते रहता है। आपको किनर जा रहा है का मतलब फीलिंग होता है? अंदर से बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है जी। शायद भगवान आपको मतलब इस रूप में नहीं दिए रहते तो आपको मतलब कुछ लोग नहीं बोलते जी। हमारे साथ में मोनिका जी हैं और ये बता दिया जाए अपना जिंदगी जीवनी के बारे में बताएं कि अपने परिवार से कैसे जुदा हुए और कैसे कहां तक अभी काम करते हैं और कैसे इनको लोग देखते हैं। और कहा जाए कि एक और चीज़ माना जाता है समाज में कि आप लोग का दिया हुआ आशीर्वाद या दिया हुआ श्राप लोगों के ऊपर पड़ जाता है। जी पड़ जाता है, हम लोग को श्राप पड़ जाता है। मतलब आप लोग अगर दिल से किसी को अगर शराब देना तो पड़ जाएगा। पड़ जाएगा जी। ऐसा काम आप लोग करते हैं कि ना करें? नहीं हम लोग नहीं चाहते किसी को शराब देना। खुद को मतलब एक मतलब तबाह है, दूसरे को भी तबाह करना? जी नहीं ऐसा। क्या कहिएगा दर्शक लोग जो आपको वीडियो देख रहे हैं या और भी आपके समाज के लोग वीडियो देखते हैं? बहुत लोग पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, आपको कभी ऐसा लगा है कि ना? जी नहीं है। ट्रेन उरेन में भी पैसा कमाने के चक्कर में लोग बहुत सारा दिखाता है कि हाँ? नहीं हमको ट्रेन उरेन में बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। कब तक ऐसे ज़िंदगी को मतलब गुजारिएगा? जब तक अभी जब तक जवानी है तब तक ना। अच्छा आप लोग में एक गुरु की जो रीति रिवाज होती है, आपका गुरु कौन है? मेरी गुरु है यहाँ पटना की है, मुस्कान गुरु। मुस्कान जी। तो जैसे हम लोग में बता दिया जाए कि कोई अगर डेथ करता है यानी जब मृत हो जाता है शरीर को तो हम लोग के गाँव समाज के लोग उसमें जाते हैं, आप लोग में क्या होता है? हम लोग में किन्नर समाज लोग जाते हैं। किन्नर समाज लोग जी। कैसे मालूम चलता होगा इतना दूर में कि कहीं कोई मतलब डेथ हो गया तो जाना पड़ता? तो मतलब वहाँ से मतलब जानकारी होता है, फ़ोन उनसे मतलब पता करता है। आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी होता है क्या? जी रजिस्ट्रेशन भी होता सरकार है सरकार की तरफ से। जी अच्छा वो सर। और जाते जाते एक चीज़ और बता दें कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जिसको भगवान सताए उसको इंसान को नहीं सताना चाहिए, यही हम कहेंगे आखिरी सवाल।